हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित आश्रम का अनुमानित व्यय इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना की। वहां शुरू में 40 लोगों के रहने का अनुमान था। गांधी जी ने स्वयं आश्रम के अनुमानित खर्च का विवरण लिखा और आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाई। आश्रम में हर माह 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। उनमें से कुछ सपरिवार भी हो सकते थे। अतः गांधी जी ने आश्रम में 3 रसोई घर और 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल के मकान बनाने की आवश्यकता महसूस की। इसके अतिरिक्त 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियों की जरूरत थी। खेती योग्य कम से कम 5 एकड़ भूमि की जरूरत थी, जिस पर 30 लोग काम कर सके। खेती और बढ़ईगिरी के लिए औजारों की भी जरूरत थी, जैसे कुदाल, फावड़े, खुरपों, 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 फंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 सड़ाइयाँ, 20 रतल किले, 1 मोगरा, मोची के अवसर इत्यादि। गांधी जी का अनुमान था कि इन सब चीजों पर कुल 5 रुपये खर्चा होगा। रसोई के आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च होंगे की उम्मीद थी। सामान और मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी की जरूरत थी। 50 लोगों के भोजन पर औसतन वार्षिक खर्च 6,000 रुपये होने की संभावना थी। प्रमुख लोगों की इच्छा थी कि अहमदाबाद में 1 वर्ष तक यह प्रयोग हो और सारा खर्च अहमदाबाद उठाए। गांधी जी की यह मांग भी थी कि यदि अहमदाबाद जमीन और मकान दे दे तो वह अन्य खर्च कहीं और से जुटा लेंगे। लेकिन विचार बदल जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता था कि 1 वर्ष तक का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। फिर भी यदि अहमदाबाद तैयार न हो तो वह खाने के खर्च की व्यवस्था कर सकते थे। गांधी जी लिखते हैं कि जल्दी में तैयार किए गए खर्च के अनुमान में संभव है कुछ चीजें छूट भी गई हो। यदि अहमदाबाद सारे खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस प्रकार होंगे: मकान और जमीन का किराया, पुस्तकों की अलमारी का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष खाने का खर्च 6,000 रुपये। गांधी जी लोहार तथा राजमिस्त्री के औजारों की भी आवश्यकता महसूस करते हैं, परंतु उसका और शिक्षण संबंधी खर्च उन्होंने शामिल नहीं किया। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की जरूरत होगी। हमारे अगले वीडियो में हम नया पाठ पढ़ेंगे। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।